स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे 5 मिनट में 25 खबरों पर। टूलकिट कांड को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। इस बीच जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने टूलकिट केस में गिरफ्तार दिशा रवि का नाम लेते हुए सरकार पर तंज कसा है। कन्हैया कुमार ने ट्वीट किया, दिशा रवि ने किसानों का समर्थन करके गलती कर दी। दंगाइयों का समर्थन करती तो शायद मंत्री, मुख्यमंत्री या क्या पता प्रधानमंत्री ही बन जाती। बेंगलुरु से गिरफ्तार हुई 21 साल की पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि अभी दिल्ली पुलिस के रिमांड में है। गणतंत्र दिवस के दिन राजधानी दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने लाल किले पर उपद्रव करने वाले मोस्ट वांटेड मनिंदर सिंह को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में बस नहर के पानी में समा गई और 50 लोगों की जान चली गई। सीधी बस हादसे में आज सुबह 3 शव और बरामद हुए हैं। मरने वालों की संख्या 50 तक पहुंच गई है। बस में 55 से ज्यादा लोग सवार थे, जिनमें छात्र भी शामिल थे। उत्तरी रेल में यात्रा करने वालों के लिए अब डिस्पोजेबल बेडिंग की व्यवस्था लागू कर दी गई है। कोरोना काल में सुरक्षा के लिहाज से रेलवे यात्रा के दौरान बेडिंग यानी बिस्तर मुहैया कराने की सुविधा को बंद कर दिया गया था। इस वजह से दूर सफर करने वाले यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता था। दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में कोरोना के म्यूटेड स्ट्रेन भारत में पाए गए। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे 4 लोगों में ये स्ट्रेन पाया गया है, जबकि ब्राजील स्ट्रेन का 1 केस भारत में मिला है। जम्मू कश्मीर के राजौरी के मांजाकोट में हाईवे पर सुरक्षा बलों को संदिग्ध प्रेशर कुकर मिला। बम डिस्पोजेबल स्क्वाड को मौके पर भेज दिया गया है। सुरक्षा बलों ने एहतियात बरतते हुए हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी है। किरण बेदी को कल अचानक पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटा दिया गया। सत्ताधारी कांग्रेस लंबे समय से उन्हें हटाने की मांग कर रही थी। राष्ट्रपति भवन ने बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्देश दिया है कि अब बेदी पुडुचेरी की उपराज्यपाल नहीं रहेंगी। केरल में बढ़ते कोरोना के मामले के बीच कर्नाटक में भी कोरोना ब्लास्ट हुआ है। यहां एक कॉलेज में 40 छात्र और एक अपार्टमेंट में 103 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में फर्जी तरीके से कोरोना वैक्सीन लगाने का मामला सामने आया है। ग्रेटर नोएडा के दादरी में प्राइवेट क्लिनिक में फर्जी तरीके से वैक्सीन लगाई जा रही थी। दादरी पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्लिनिक पर छापा मारकर इस घटना का खुलासा किया और 5 लोगों को मौके से हिरासत में लिया। सिंगू बॉर्डर पर सुरक्षा में तैनात एक SHO पर किसी शख्स ने तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया और फरार हो गया। दिल्ली पुलिस के अनुसार सिंगू बॉर्डर पर कल एक आंदोलनकारी द्वारा हमला किए जाने के बाद दिल्ली पुलिस के SHO को चोट भी आई है। देश में कोरोना के मामले में उतार चढ़ाव का दौर लगातार जारी है। मंगलवार के मुकाबले बुधवार को कोरोना से संक्रमित मामलों में हल्का उछाल देखा गया। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 11,610 नए मामले सामने आए, वहीं 100 लोगों की जान चली गई। राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद आसाराम की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिसके चलते आसाराम को महात्मा गांधी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। आसाराम को बेचैनी और सांस लेने में दिक्कत होने की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया। कल से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। कोरोना टेस्ट के बिना विधायकों को एंट्री नहीं मिलेगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के संबोधन के साथ दोनों सदनों के संयुक्त सत्र से शुरू होगा बजट सत्र। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ देश और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जुड़ती जा रही हैं। इसी कड़ी में अब ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन भी इसका हिस्सा बन गई है। कंपनी का कहना है कि वो इस साल के अंत तक चेन्नई में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने वाली है। कोरोना संकट को लेकर सार्क देशों की बैठक अगले हफ्ते आयोजित होगी। बैठक की मेजबानी भारत करेगा। खास बात यह है कि भारत पाकिस्तान के बीच पिछले 1 साल से जारी तनाव के बीच मोदी सरकार ने बैठक में भाग लेने के लिए पाकिस्तान को आमंत्रित किया है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में राज्य का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय की शुरुआत की गई। शहर के कमछा इलाके में वाराणसी की महिला मेयर मृदुला जायसवाल ने उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फैसला किया है कि 50 साल से ज्यादा उम्र के करीब 27 करोड़ लोगों को मुफ्त में टीका लगेगा। बजट में वैक्सीनेशन के लिए करीब 35,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिससे करीब 50 करोड़ लोगों को मुफ्त में टीका लगाया जा सकता है। भारत को आजादी मिलने के बाद देश में पहली बार किसी महिला को उसके आपराधिक कृत्यों के लिए फांसी की सजा दी जाएगी। 2008 में अमरोहा की रहने वाली शबनम नाम की महिला ने अप्रैल महीने में प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही 7 परिजनों की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और इसी साल पंचायत चुनाव होने हैं। इस बीच
बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि चुनाव से पहले राज्य में नेताओं, वकीलों और व्यापारियों की हत्याओं का दौर शुरू हो गया है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज के दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है। रोजाना बढ़ती तेल की कीमतों में नए नए रिकॉर्ड तोड़ रही है। आज डीजल की कीमत में 24 से 26 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं पेट्रोल की कीमत में 23 से 25 पैसे तक बढ़ी है। अभिनेता रणवीर शेरी कोरोना संक्रमित हो गए। रणवीर ने अपने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मेरा कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है, हल्के लक्षण हैं, मैं क्वारंटीन में हूँ। करीना कपूर के भाई और अभिनेता अरमान जैन ईडी के ऑफिस पहुंचे। उन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए 16 फरवरी को समन जारी किया था। अरमान जैन पर कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। हॉलीवुड एक्टर ड्वेन जॉनसन ने एक बार फिर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को जाहिर किया है। ड्वेन ने अपने पुराने बयान को एक बार फिर से दोहराते हुए कहा कि वो अब भी अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। नव्या नवेली भले ही फिल्मों से दूर हों, लेकिन वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। ऐसे में सभी को उम्मीद थी कि नव्या बहुत जल्द बड़े पर्दे पर कदम रखेंगी। वहीं अब नव्या ने सभी के सामने ये साफ कर दिया है कि वो फिल्मों में काम नहीं करेंगी और अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाएंगी। करीना कपूर खान जल्द दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली हैं। इसे लेकर सैफ अली खान की बहन सबा अली खान ने अब काउंटडाउन भी शुरू कर दिया है। 5 मिनट 25 खबरों में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।